श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय बनाहिल द्वारा तागा गांव में आयोजित NSS कैंप समापन समारोह में अकलतरा विधायक हुए शामिल। अकलतरा ने बनाहिल गांव में स्थित श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय द्वारा तागा गांव में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह समापन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में विधायक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना व्यक्तित्व विकास व व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला है। वे भी अपने छात्र जीवन में राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य रहे हैं। जब भी वे कार्यक्रम में जाते हैं तो उनको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय बनाहिल अकलतरा, यहाँ हम तागा में कैंप लगाए हैं नशा मुक्ति के लिए। यहाँ पर हम 7 दिन की कैंप का हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लोगों को जागरूक करें नशा के प्रति और साफ सफाई सिखाएं उन्हें आसपास, और उन्हें जागरूक करें कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा मुक्ति का मेन उद्देश्य है। और NSS में हम सभी आए हैं सब, तो हम सब पहले 4 बजे उठ जाते हैं, 4:30 बजे फ्रेश फ्रेश होकर आ जाते हैं, फिर ब्रश करके हम लोग अपना जो भी है मतलब योगा करते हैं। पहले हम लोग प्रभात फेरी में जाते हैं ताकि लोगों को सुबह उठाते हैं, ताकि वो भी सुबह उठें इसके लिए। फिर उसके बाद आकर 6:30 बजे फिर 7 बजे योगा करते हैं, फिर 8 बजे तक योगा करते हैं 1 घंटा, फिर 8 बजे अपना खाना लंच 8:30 बजे तक, फिर उसके बाद 8:30 बजे श्रमदान के लिए जाते हैं। मंदिर की साफ़ सफाई या जहाँ भी स्थल होता है, जैसे कि हो गया हमारा गुरुआ भारी और ये सब, और नल जल योजना है, और तालाब की साफ़ सफाई और आसपास की साफ सफाई, और एक टीम हमारे यहाँ प्रांगण को साफ़ सफाई करने के लिए, ये सब के लिए रुकते हैं। फिर हम 12 बजे आते हैं, फिर नहाने जाते हैं, नहा कर हम 1 बजे यहाँ पर संगोष्ठी करते हैं, मतलब मन संचालन करते हैं बच्चों का स्टेज में, ताकि उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके और वो सामने में बोल पाए। उसके बाद हम लोग 2 बजे हमारा वो बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें मुख्य अतिथि आए हुए होते हैं, तो हम सभी वॉलंटियर्स यहाँ पर पेन कॉपी पकड़ कर यहाँ पर आते हैं और जो वो बताते हैं उसे नोट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हम डायरी को भरते हैं उसमें इसके लिए। तो ये इस तरह ये प्रक्रिया होते हैं 5 बजे तक। फिर उसके बाद हमारा NSS का जो खेल है वो होता है 1 घंटा, फिर 6 बजे हम लोग फिर फ्रेश होने जाते हैं, फिर अपना ड्रेस चेंज करके फिर यहाँ पर आते हैं, तो थोड़ा सा और गतिविधि हो जाती है। फिर ड्यूटी अलग अलग दल का बटा होता है, तो कोई किचन में रहता है, तो सभी वॉलंटियर्स यहाँ पर आते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा कल्चर प्रोग्राम है उसकी तैयारी करते हैं, फिर दूसरे दिन हमारा हुआ था कवि सम्मेलन हुआ था, फिर तीसरा दिन हमारा हुआ था वो जो गांव में आसपास आते हैं भजन कीर्तन ये सब कराए थे, फिर हम लोग का यहाँ स्कूल का जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे कॉलेज का और स्कूल का अलग हुआ था 1 दिन, और 1 दिन हमारे कॉलेज का अलग हुआ था। यहाँ पर 2 यूनिट में आए हैं, 1 तो ITI आया है, 1 महाविद्यालय आया है, तो ऐसे करके हम कल्चर प्रोग्राम किए इतने दिन तक। हम लोगों को यहाँ 7 दिन विशेष शिविर में लगाया गया है, जिसमें हम लोग ग्राम तागा हैं। इसमें हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये था कि नशा मुक्त के लिए युवा को प्रेरणा देना, कि युवा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने से बड़ों और छोटों का मन का बदलाव कर सकता है, जिससे उन लोग नशा को छोड़ सकते हैं, क्योंकि युवा ही हमारा भविष्य है, वर्तमान है, भूत भी युवा ही था। तो इसीलिए हम लोग को मेन उद्देश्य युवा को प्रेरित करना था कि उन लोग नशा को छोड़ने के लिए पूरे समाज को प्रेरित करें। हम लोगों ने श्रमदान में अम्बेडकर पार्क, फिर जितने भी सोखता गड्ढे का निर्माण किए, फिर हम लोगों ने जो भी गांव में नलियां हैं जिनमें कीचड़ जो भी गंदगी वाले पदार्थ थे उन सभी को साफ करके गांव को जितना सुसज्जित बनाने की कोशिश किया। देखिए, समाज का एक छोटा प्रतिबिंब है ये, और एक बहुत अच्छा मौका होता है घर से दूर रह के समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का, और छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छा माहौल भी रहता है, क्योंकि एक शिविर में सारे संगी साथी सब साथ में रहते हैं। और इसी तरह की मैं हमेशा NSS कैंप्स में जाने की कोशिश करता हूं, ताकि इन लोगों का प्रोत्साहन इन लोगों को दे सकूं, अपने अनुभव भी इन लोगों के साथ साझा कर सकूं। तो मेरी बड़ी शुभकामनाएँ हैं इनके साथ, और बधाई है कॉलेज परिवार को जिन्होंने अच्छा, और ग्राम पंचायत को, और सभी जनप्रतिनिधि जो इसमें सहयोग जिन्होंने किया है, और इस तरह के आयोजन हमेशा होते रहें, ऐसी शुभकामनाएँ। देखिए, कोई भी माध्यम से बच्चे यदि सीख पाते हैं तो वो कोई भी माध्यम हमेशा अच्छा होता है। NSS उसका एक पार्ट हो सकता है, और भी संस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन NSS बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शासकीय अपने श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय और श्री ऋषभ ITI के तत्वाधान में संयुक्त शिविर आयोजन किया गया। हमारा हमेशा यह प्रयास रहा है कि छात्र जो हैं, जो संस्था जो आए हुए हैं, उनका सामान्य विकास हो। जिस नगर में, जिस ग्राम में भी आते हैं, वहाँ पर पूर्ण रूप से उसमें हो जाए, और पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होते हैं, आपका सामाजिक कार्यक्रम जो भी होते हैं, उन लोगों का पूर्ण योगदान रहता है।
इसके पहले हम लोगों ने पकरिया में लगाया था, पकरी के बाद तिली में लगाया था, वहाँ फिर किरारी में लगाया था, तरोद में लगाया था, वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी टागा में भी उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया होगा। और सबसे प्रमुख बात तो ये है कि हमारे जो एनएससी के कार्यकर्ता जो हैं, संसद जो हैं, अभी पिछले वर्ष जो है पूरे यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप पे जो वहाँ बच्चे होते हैं उनके सिलेक्शन होता है, हमारी यूनिवर्सिटी से हुआ। और राष्ट्र और पूरे प्रदेश में केवल दो लोगों का सिलेक्शन होता है, एक छात्र एक छात्रा का। तो उसमें हमारे यहाँ की छात्रा कविता पांडे जो है वह नेशनल तक गई और उन्होंने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। सबसे प्रमुख बात यह है कि हमारे जो शहीद को पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ जो है वहाँ पर भी केवल एक छात्र और एक छात्रा का होता है, उसमें भी हमारे यहाँ कविता पांडे जो है उसका सिलेक्शन हुआ। और जो वहाँ पर परिषद जो है उसमें सलाहकार परिषद जो होती है उसने वहाँ के भी वो मेंबर हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो संयोग जो हैं वो कहीं भी रहेंगे वह हमेशा उन्नति करेंगे और हमारे राष्ट्र का, प्रदेश का, महाविद्यालय का गौरव रहेगा।